जो प्राजक्ता नाम का एक फूल होता है, तो वैसी ही ये मीठी आवाज़ प्राजक्ता की जिसको इंदौर में हम सुन रहे हैं, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। और प्राजक्ता को सुनते हुए जो प्रसन्नता होती है, तो फिर एक प्रसन्न भी होना चाहिए उसमें फिल्म। तो प्रसन्न भाई को सुनना हमेशा बीते दुखों को भूल कर नए सुखों की याद करना है, ऐसा मैं मानता हूँ प्रसन्न भाई को सुनना, क्योंकि उसमें रफ़ी साहब के बहुत हमारे यादगार गीत होते हैं। तो दो गीत शुरुआती हैं, अनप्लग्ड हैं, और एक तरह से ट्रिब्यूट है आप सब की ओर से, पूरी कलाकार बिरादरी की ओर से, मेरी ओर से, प्राजक्ता की ओर से, हमारे सारे म्यूजिशियंस की ओर से, प्रसन्न भाई की ओर से, और जिन्होंने ये महफिल आज सजाई है। तो मैं चाहूँगा उनके लिए भी तालियाँ बजा दें, राजेश भैया और नीलेश भाई ने, तो उनकी ओर से भी ये पहला नजराना फूलों का, स्वरों के फूल का हम शुरू कर दें प्लीज़। गुनगुनाओगे हाँ
हमारे चित्रपट संगीत की खासियत यही है कि इस गाने को यूं सुने, प्रसन्न और प्राजक्ता से सुने तो ऐसा लगता है कि हम रफ़ी साहब और लता जी को याद कर रहे हैं। और जब ये गीत अभी दूसरा प्रसन्न भाई गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बहुत सारे मित्रों के बहुत सारे ऐसे परिजन जो इस मुश्किल के समय में इस दुनिया फानी से चले गए, तो ऐसा लग रहा था कि उनकी तरफ से प्रसन्न गा रहे हैं कि जब कभी भी करोगे याद मुझे, संग संग तुम भी मुस्कुराओगे। ये गीतों का करिश्मा है जो हम बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। इन गीतों में हमारी प्रस्तुति में बाधा न पड़े आगे और लगातार आप इसको सुनते रहें, इसलिए छोटी सी एक रस्म हमारे कलाकारों के स्वागत की। और कलाकारों का स्वागत कलाकार कर दें तो ऐसा लगता है कि हमने कार्यक्रम की कामयाबी अपनी जेब में रख ली है। तो मुंबई, पुणे और पूरे देश में और विदेशों में चित्रपट संगीत की बहुत ख्याति को आगे बढ़ाती हुई रसिका गानू यहाँ आज योगा योग की बात है कि इंदौर में मौजूद हैं वो, और हमारे शहर की अपनी मीठी बेटी शिफा वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा शिफा और रसिका आप दोनों आएँ और हमारा स्वागत करें मंच पर। आइए 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 रसिका और शिफा। फूल कहाँ हैं? वैसे ये दोनों इतनी मीठी आवाज़ हैं कि अगर इधर से आकर ऐसे रैंप जैसे चले जाओगे तो भी स्वागत हो जाएगा, अगर फूल ना हो तो, बात को संभालना पड़ता है कभी। आ गए आ गए, आइए रसिका शिफा आप दोनों आइए। ये क्या आज थोड़ा मंच बिल्कुल मोरसली गली जैसा है एकदम, बिल्कुल इसमें से कहाँ से तो कोई निकले और क्या करे। आइए इधर, हाँ एक उधर से आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे। आई थिंक दोनों को ही उधर से आना पड़ेगा, आप भी उधर से आइए रसिका, उधर से खजूरी बाजार की तरफ से आना पड़ेगा सराफे में से नहीं आ सकते, उधर से आ जाइए। सो लेडीज फर्स्ट, प्राजक्ता, प्रसन्न, और इधर अभिजीत हमारे सीनियर म्यूजिशियन जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। अभिजीत आप इधर आ जाओ, कूदते फांदते हुए आ ही जाओ आप। वहाँ मनोज बहुत बढ़िया तबला आज आपको सुनने को मिलने वाला, और कॉम्पैक्ट ऑडिटोरियम में तबले की बारीकी सुनने का मजा ही अलग है। लोकेश कपिल ऑक्टोपैड, फिर प्रशांत भाई और इधर गौतम मेरे पीछे, बांसुरी के पीसेस आप अभी सुन रहे थे बहुत बढ़िया। और मैं आ जाता हूं, दोनों मिलके मुझे दे दो ये। तो आप बिल्कुल रोकेंगे नहीं इसको और आगे बढ़ाते हैं। पहला गीत बहुत ही खूबसूरत और जाहिर है कि रफ़ी साहब की याद इसमें महक रही है। ओपी नैयर साहब हैं, राजा मेहंदी अली खां मदन मोहन जी के साथ में ज़्यादा सुनाई देते हैं लेकिन यहाँ ओपी नैयर साहब के साथ में हैं। एक मुसाफिर एक हसीना, सारे गीत ओपी नैयर साहब ने बेशकीमती दिए थे। जॉय मुखर्जी और साधना ठीक ठीक ही थे,